आग लग गई अहमदाबाद में, आग लगा दी है? अब वही था कि एक दो तीन, एक दो तीन आज मैदान में क्या हुआ तो चल गए पता नहीं। और कमाल की बात, शुरू से लेके एंड तक एक बंदा तो टिक गया है अनिल सर। बोलते ना श है तो सही है, पहले सूर्य कुमार नाव शुभमन गिल क्या बैटिंग की है उन्होंने, और उन्होंने बताया लास्ट कि जो उन्होंने 50 करन बनाए हैं 60 करन वो पता ही नहीं चले, एक स्टेज तो ऐसी आ गई थी मतलब 35 बॉल के साथ ही बैटिंग चल रही है। 35 बॉल में हाफ सेंचुरी हुई थी सर, 16वें ओवर में उनकी हाफ सेंचुरी हुई, उनके 40 बॉल में 60 रन थे शायद। हाँ 40 बॉल के आसपास उनके 60। उसके बाद उन्होंने सिर्फ छक्कों में डील किया, चौके नहीं मारे। और मुझे यार कमाल है, हालांकि शुरुआत आज तेज हुई थी, राहुल त्रिपाठी ने भी तेज शुरुआत की, राहुल त्रिपाठी ने अच्छा स्टार्ट किया, सूर्य ने अपना रोल प्ले किया, हार्दिक ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन 234 स्तंभ बने, बिकॉज़ 123 बना के 126 रन नॉट आउट, 63 गेंदों में 126, पूरे 200 का स्ट्राइक रेट है, इतनी बड़ी नहीं। अरे यार चौके छक्के भी बता दो इसी बात में, 12 चौके 7 छक्के। दिसंबर में इन्होंने पहला टेस्ट 100 किया, जनवरी में पहला वनडे, और फरवरी की शुरुआत में पहला T20 सॉ। नहीं देखिए इसको जितने मौके मिले इसने गवाए नहीं है, और इसने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करता चला गया है। बट आप जैसे इस 2020 इनिंग से आप अगर इसको एनालाइज करें, इसमें जो क्षमता है वो 2020 वाली है। मैं अब पहले मैं भी सोच कहता था कि ये 2020 में पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसको ग्राउंड क्लियर करना आता है ना, जिसको अलॉन्ग द ग्राउंड और ग्राउंड क्लियर करते हैं, देखो उसने जो शॉट मारे हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई सिक्स बाउंड्री लाइन पे गिरा हो, काफी ज्यादा लंबे गए हैं, क्योंकि आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो क्लियर कर सकें और अलॉन्ग द ग्राउंड भी खेल सकें। तो इसकी बैटिंग को एनालाइज करते हुए मेरे लगता है कि ये काफी, मुझे भी रिजर्वेशन ये था पाजी, मुझे ये नहीं था कि T20 नहीं खेल सकते, बल्कि ये था कि अगर आप इनको T20 भी खिलाएंगे तो जो इनकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट की जो गेम है, जो टच है, कहीं वो ना चला जाए, केवल आपको 20-20 भी खेलने के लिए 20-20 कहीं ये ना हो कि वनडे और टेस्ट मैच जो इनकी ताकत है वो कमजोरी हो जाए। लेकिन फिर वही बात है ना कि कौन सा खिलाड़ी है जो कहेगा मैं नहीं खेलता, कौन सा खिलाड़ी, और अगर वो खिलाड़ी आपका गोल्डन बॉय है, आज तो ये गोल्डन बॉय से ये सुपरमैन बन चुके हैं, सुपर बॉय से सुपरमैन जो है वो शुभमन गिल बन चुके हैं। मतलब पिछले 2 महीने में किसी प्लेयर ने, आई थिंक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखें आप, इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी का इतना इंपैक्ट नहीं रहा और ना शुभमन गिल का, कमाल है। और तीनों फॉर्मेट्स में, और जो शॉट्स खेले गए हैं ना वो बहुत अच्छे शॉट्स, सीधा एक्स्ट्रा कवर और मिड विकेट और क्लीन हिटिंग है, इसमें कोई बहुत नहीं है, सारे शॉट्स लंबे छक्के गए, लंबे छक्के, एक तो बड़ा ग्राउंड, बड़ा ग्राउंड और उसके बावजूद 70 मीटर के बाद इनके 100 में जाए, एक और चीज दिखी है वो रोहित शर्मा वाली बात, 100 पे वो रुकते नहीं है, 100 पे वो और एक्सेलरेट करते हैं। मुझे T20 में 126 तो डैडी 100 ही है, डैडी 100 T20 का 126 तो डैडी 100 ही, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मारा है, भारत की तरफ से सबसे बड़ी इनिंग है T20 की। जो शॉट्स खेलते हैं ना लॉन्ग द ग्राउंड भी देखो, उन्होंने जो शॉट्स खेले हैं काफी अच्छे खेले हैं, कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ मिड ऑन की तरफ काफी अच्छे, तो ऑलराउंड अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इसने अपनी पोजीशन जो है, जैसा कि विक्रांत सर ने बोला कि रिजर्वेशन एक ही बात का था, क्या उनको अपना गेम अल्टर करना पड़ेगा T20 के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को लगता था कि वो बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं T20 में। 5 इनिंग हो गई थी इसके पहले, ये 6ठी इनिंग थी उनकी, 5 इनिंग में रन नहीं थे, लेकिन इन्होंने आज की पारी में ये बताया कि उनके पास जब वो एक जम जाते हैं, वो शुरू शुरू में बहुत रिस्क नहीं लेते, रिस्क फ्री बैटिंग करते हैं विराट कोहली की तरह, लेकिन जब उनके पास रन आ गए, 50 रन आ गए, उनकी गेंद आंख जम गई, उसके बाद तो उनके पास गेम है ना, जो हर गेंद को क्लियर कर सकते हैं, जो कि 2020 में चाहिए, लगातार 2 छक्के। अच्छी चीज पता क्या हुई उनके लिए, ईशान किशन आउट हो गए जी, अच्छी चीज ये हुई कि राहुल त्रिपाठी ने आकर जो स्पिनर्स को तोड़ना शुरू किया, शुरू से वो राहुल त्रिपाठी ने भी लोड ले लिया, फिर सूर्य कुमार यादव आए। अच्छा ये T20 में ये कैमियोज होते हैं, बट ये अच्छे होते हैं, 40-26-30 ये बुरे स्कोर नहीं है अगर वो अच्छी पेस पर बने। अच्छा बाय द वे जो भी है, मुझे तो मैंने तो कल ये कहा था कि आज पृथ्वी शॉ को मौका दे दीजिए, भाई पृथ्वी शॉ को एक मौका दे दीजिए, मौका कहां मिलता, ओपन ही करते, और हमें लग रहा था शायद ईशान और शुभमन पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, हाँ, और राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप करके शुभमन गिल को 3 नंबर पे खेलेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज शुभमन ने ओपन करके 100 बना दिया, और राहुल त्रिपाठी ने भी अपने करियर को बचाया है, 22-44 आज जो वो पारी खेल के अपने करियर को बचाया ही है। जो राहुल त्रिपाठी जो बैट्समैन है ना, इसको बैटिंग चाहिए, टीम मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस चाहिए, और टीम मैनेजमेंट को कहता है कि मैं ऐसे खेलना है, मैंने आप देख लो मेरे को, तुमने खिलाना है या ना खिलाना,
वो एक होता ना प्लेयर की रिस्क वाले शॉट खेलेंगे, नहीं उसने एक्स्ट्रा कवर कुपर के बहुत सीधे शॉट खेले हैं, बट ये कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा इस प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं यार तू नंबर दिया है तू जा खेल, तो ये होगा छह मैच में तीन मैच या दो मैच तीन मैच निकालेगा, ऐसा नहीं है कि वो छह के सुपर फ्लॉप हो जाएगा जैसे, और कई बार आपको ऐसे वो कहते ना पंजाबी में कहते हैं मलंग बैट्समैन चाहिए, बड़ा प्लेयर हूँ मैं आराम से मेरी विकेट, वो नहीं है, वो नहीं चलता है मारना शुरुआत से लेके, लेकिन राहुल त्रिपाठी की बैटिंग में थोड़े बहुत शॉट्स मुझे सूर्या टाइप के भी दिखे, ब्लेयर टिकनर और उनका वो एरिया है तो उन्होंने प्रैक्टिस की होगी ना वो एरिया, सिर्फ ग्राउंड में आके आप उस तरह के मैच में शॉट नहीं खेल सकते जब तक आपने अच्छा अभ्यास ना किया हो, नहीं माइंड सेट क्लियर है ना, एग्जैक्टली खत्म, और आई थिंक उनके लिए अगर आज रन नहीं बनते तो हो सकता है अगली T20 टीम आपकी जब तक बनती तो वो T20 के हिस्सा ही ना होते, बिल्कुल सर, भाई आज आज फिर वही बात है ना, दो मैचों से तो सब बोल रहे हैं भाई, आज मैच के बाद तो वाइजर आफ्टर द इवेंट तो बड़ा आसान है, अभी शुभमन को हमने बैक किया, कोई कहेगा राहुल त्रिपाठी को बैक किया, कोई कहेगा फलाने को बैक किया, भाई कल शाम तक तो सब कह रहे हटा दो इन सबको, ये युवा ब्रिगेड नहीं चाहिए, वापस ले आओ विराट को, वापस ले आओ रोहित को, वापस ले आओ केएल राहुल, ये तक चल रहा था ना, सो इनको आपको वक्त देना होगा, आपको वक्त देना, आप समीक्षा करते रहेंगे हर मैच के बाद हर पारी के बाद आप असेस करेंगे, ईशान किशन है वो 200 के बाद ईशान किशन ने रन नहीं बनाए, नहीं बने, लेकिन जो और उनके लिए मुझे लगता है बुरी बात हुई है अदर देन द फैक्ट कि रन नहीं बन रहे, वो रन बनाते दिख नहीं रहे, वो सामने वाली टीम स्पिनर डालती है स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके हाथ पैर काम जाते हैं, सो ईशान किशन के लिए अब ये रियल आइडेंटिटी क्राइसिस है, आज भी वो 11 मिस किए हैं बिकॉज ए ईशान किशन है उसने 200 बनाए, बी विकेट कीपर बैट्समैन, एडवांटेज विकेट कीपिंग का, ट्रू ये भी सच है कि आज की जो पिच है वो बैटिंग ब्यूटी थी, ये भी सच है कि राहुल त्रिपाठी ने जो हाई रिस्क शॉट्स खेले उनको पे ऑफ किया क्योंकि उनका कैच भी बहुत जल्दी छूट गया, 18 एक रन पे कुछ खेल रहे थे तब उनका कैच भी छूटा, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपने आप को रेकनिंग में रखा हुआ है, अब बचेगा नहीं बचेगा उनका करियर कितना आगे जाएगा नोबडी नोज कि आगे जाके क्या होता है, आईपीएल के गेंद को आप उनका आईपीएल खेल रहे हैं, उनका आईपीएल कैसे जाता है, बिल्कुल तो डिपेंड उनके अंदर, ये तो है कि उन्होंने पूरी तैयारी की आज की तारीख में, ऐसा लास्ट मैच है आईपीएल से पहले, अगला इंटरनेशनल T20 आपने जुलाई में खेलना है, आप इनमें से किसी को बाहर नहीं कर सकते, आप राहुल त्रिपाठी आज की पारी के बाद आप उनको ये नहीं कह सकते कि यार चलो हो गया, प्रोमो ऐप पर आया कुछ, अब अर्शदीप है क्या आज के मुकाबले में वो दो से ज्यादा न्यूजीलैंड, आप अपनी राय रखिए, प्रोबो ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके वहाँ अपनी राय रख के आप पैसे बना सकते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, सिर्फ राय नहीं रखनी है पैसे भी बनाने, सबने अच्छी बैटिंग की हर चीज है, लेकिन फिर वही बात होती है ना कि एक अकेला जो लड़ गया शुभमन गिल की अगर बात करें, क्योंकि उनके पास में शॉट्स, हम बात राहुल त्रिपाठी की भी कर रहे हैं कि भाई क्रीज में कितने मूवमेंट था उनका, पैर चला चला के खेल रहे थे, हटके खेल रहे थे, लॉकी फर्ग्यूसन की बॉल पे आपने बोला, लेकिन द मोमेंट शुभमन गिल की जब बात करते हैं 50 के बाद दो या तीन सिंगल मैंने देखे होंगे, उस समय हार्दिक पांड्या थे उनके साथ में भी, उसके बाद जब हार्दिक पांड्या सेट हुए एक तरफ से, फिर शुभमन गिल का बल्ला जो ऐसा चला है कुछ 60-66 रन पे खेल रहे थे, और 40 में 60 था ना उनका, कुछ 16 ओवर हो गया था, फिर सवाल था कि क्या बन पाएगा उनका 100, और उसके बाद उन्होंने हड़बड़ी हो सकती थी एक बल्लेबाज को, हड़बड़ी में गड़बड़ी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो क्लीन हिटिंग की उसके बाद, एक छक्का दो छक्का एक चौका फिर एक छक्का, मतलब अगली 7-8 गेंदों में उन्होंने खुद को वो 70-100 पे ले गए, बिल्कुल ले गया, एक दो ओवर में ही ले गया वो सारे रन, और किसको नहीं पीटा उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उनके दो मेन स्ट्राइकिंग गेंदबाजों को मारा है जो तेज गेंदबाज, एक तो लॉकी फर्ग्यूसन और ब्लेयर टिकनर दोनों को, लॉकी फर्ग्यूसन 4 में 54 आई थिंक, 4 में 50 और ब्लेयर टिकनर 4 में 54, एक विकेट मिला है, हालांकि आंकड़े बता देते हैं आपको, 234 रन बनाए इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, ईशान किशन 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए, शुभमन गिल ने 63 गेंदों में 126 रन बनाए, 12 चौके 7 छक्के, राहुल त्रिपाठी 22 गेंद 44 रन 3 छक्के 4 चौके, सूर्य कुमार यादव 13 गेंद 24 रन 2 छक्के 1 चौका, हार्दिक पांड्या 17 गेंद 30 रन 4 चौके 1 छक्के 1 छक्का, दीपक हुड्डा 2 गेंद 2 रन, अब इस तरह से भारत ने बनाया 234 रन, जम के धुनाई हुई है आज, बेन लिस्टर 4 ओवर 42 रन पहला ही मैच खेल रहे हैं, ब्रेसवेल ने 1 ओवर डाला 8 रन, 1 विकेट इन्होंने ब्रेसवेल से बॉलिंग डलवाया उसके बाद, ईशान किशन का राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट
लकी फर्गुसन ने 4 ओवर 54 रन दिए, टिकनर को 3 ओवर में 50 रन पड़े, ईस्ट सोडी आज महंगे साबित हुए 3 ओवर में 34 रन इनको पड़े, सेंटनर 4 ओवर 37 रन खर्च किए, डेरिल मिचेल ने आखिरी ओवर अच्छा डाला 1 ओवर में 6 रन दिया। डेरिल मिचेल को भी तो ओवर कहां दिया सर, यहाँ पे ना स्पिनर को गेंद कराने चाहिए क्योंकि ये विकेट पेसर पेसर तो मार खाएगा ही, बहुत अच्छा विकेट है। हाँ बहुत अच्छा विकेट है, अगर थोड़ा सा गेंद स्लो करेगा उसमें चांस है आउट होने, मार तो बड़ी रही है तुम्हारे पेसरों को, तो व्हाई नॉट कंपेयर। पेसर वो जो पेस दे रहा है वो बॉल जा भी रहा है और जा भी रहा है, यहाँ से बॉल ट्रेवल भी कर रहा है जब आप हिट मारते हैं। माई 11 में जय भाई ने उमरान मलिक को रखा है टीम में, उमरान मलिक को रखा है, देखते हैं बताइए प्रोबो ऐप पे जाके इसको डाउनलोड करके आप यस नो जीतने के लिए। माय 11 सर्कल क्या है आज, माय 11 सर्कल में जैसे नहीं है लेकिन सामने वाले ने भी उन्हें कुछ, क्योंकि जैसे यूजी चहल को हटा के उमरान मलिक का नाम आया था प्लेइंग 11 में, जय भाई ने टीम में रख लिया था कि नहीं यार तेज गेंदबाज मैं रखूंगा, चाहिए एक बॉलर तो चाहिए। अब न्यूजीलैंड है मैच में ओनली 20% 236 क्योंकि बहुत ज्यादा रन है 234 चेजिंग यू नो लाइक इज, बट विकेट इज गुड बट दे विल क्योंकि ओस काफी गिर रही है, गिर रही है, किसी भी माता सवार होने चाहिए तब उनको हो सकता है। नहीं बट अगर आप पावर प्ले में रन करेंगे, पावर प्ले में 60-70 रन करेंगे तभी मैच बैठता जाकर, नहीं तो नहीं बढ़ता। पावर प्ले में इंडिया का स्कोर आ जाता है, भारत के पास एडवांटेज है, भारत के पास 7 गेंदबाज हैं, हार्दिक पांड्या को लेके 7 गेंदबाज हैं, तो अगर किसी का ऑफ डे भी जाता है तो चेंज करके आराम से, नहीं ऑफ डे भी जाएगा किसी न किसी का तो जाएगा, ये मत सोचो ऑफ डे भी जाता है, बट आपके पास बैकअप है ना, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे बॉलर ले आओगे, आपके पास में प्रॉपर बॉलर भी है, आपके पास में मार भी पड़ेगी 60 तो वो भी करनी चाहिए अच्छी। फिन एलन और डेविन कॉनवे, एलन ने लेकिन निराश किया है लगातार यार, आज एक पारी आएगी। फिन एलन, डेविन कॉनवे और मैं बताऊं एक एक और डेरिल मिचेल भी, वो भी है एक, हाँ वो अच्छा खेलता है, कहने को नीचे पास आके बैटिंग कर रहा है लेकिन रन, हाँ सर कि मतलब उसका बोझ जीतना है तो ऊपर से रन आएंगे, नीचे से फिर नहीं आएंगे, नीचे से सिर्फ विकेट ही जाएंगे। 14-15 की रन एवरेज निकल जाती है, कितने मारोगे आप, ये तो नहीं 14-15 12 तो शुरू कर रहे हैं, 12 से शुरू करके इनको अगर मेंटेन भी करें ना 10-11 का तभी बहुत बड़ी बात, एग्जैक्टली तब जाके गेम हाथ में आएगा। तेज रन बनाया है, चलिए मैच हो गया शुरू, डेविन कॉनवे ने मैच शुरू होने वाला है, आप लोग प्लीज स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया, जैसे ही मैच खत्म होगा एक इंडिया की बड़ी जीत, बड़ी आज ना सिर्फ इस मैच में बल्कि सीरीज की जीत, और ये आपका डोमेस्टिक T20 का सीजन भी अब खत्म होगा, असेसमेंट भी होगी क्योंकि अब अगली जो आपने T20 खेलनी है वो जुलाई में जाके खेलनी है, तो वो भी बाहर मुल्क में, बाहर बाहर, आज जिसके पास रन आ गया बाहर वो राजा है, सात समंदर पार, सात समंदर पार, वेस्ट इंडीज में कितना रन आए ना आए लेकिन अभी तो बन गया। कोई सवाल नहीं आया आज, काफी खुश है, चलो ठीक। सुनील वालिया जी का आया था, नवाब असगर जी का भी आया था।